नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। हम फिर से आ गए एक और पंचायत में, पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के चौर दरगाह पंचायत में। वैसे तो इस पंचायत की मुखिया होती हैं सवाना अली जी। ये जो शख्स देख रहे हैं हमारे साथ बैठे हुए, ये सरफराज मोहम्मद सरफराज हैं। सारा काम पंचायत का ये देखते हैं, मुखिया जी ने सारा कार्यभार इनको सौंप रखा है कि पंचायत का किस हद तक विकास करना है और किस तरीके से विकास करना है। तो आइए सीधे तौर पर रुख करेंगे मोहम्मद सरफराज जी की ओर, जानेंगे इस पंचायत के बारे में कि चौर दरगाह पंचायत का विकास इन्होंने किस तरीके से किया और कैसे कैसे किया बीते वर्ष में। पहले तो मोहम्मद सरफराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बोलिए। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, किस तरीके का विकास कर रहे हैं आप अपने पंचायत में? पंचायत में ग्राम सभा लगती है, ग्राम सभा में लोगों का राय लिया जाता है। अच्छा। उसी हिसाब से योजनाएं बनती है, उसी पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसी योजना पे। किस किस योजना के तहत क्या क्या कार्य करवाया है आपने इस पंचायत में? शुरुआत में तो स्वच्छता का कार्य शुरू करवाए थे, अभी भी कार्य हो रही है, जिसमें कचरा उठाओ और झाड़ू बहारने वाले जो डेली सुबह हर मोहल्ले में, मेरे पंचायत के हर वार्ड में झाड़ू देती है और कचरा उठाव कर करके WPO भी तैयार मेरे यहाँ वहाँ कचरा रखाता है। अच्छा। बाकी वहीं से वो होता है। अच्छा, और क्या क्या बनवाया है आपने अपने पंचायत में? घाट बना है मेरे यहाँ। अच्छा, किस योजना के तहत बना है? सिस्टम से बना है घाट, और एक 15वीं से भी घाट बना है, जिससे छठ व्रतियों को छठ पूजा के दिन अर्घ देने में आराम होता है। और पंचायत सरकार भवन निर्माण हो रही है अभी, अधूरी है। नहीं, पंचायत एक नए सिरे से बनाया है। नहीं, पुराने पंचायत भवन एक थी, उसका जीर्णोद्धार करवाए, एक नया हमारे पंचायत में ही पंचायत सरकार भवन बन रही है, जो पंचायत सचिवालय के नाम से मशहूर है, वो अभी उसका कार्य प्रगति पे है। कितने नली गली आपने बनवाया है अपने पंचायत में? अभी तो फिलहाल 1.5 साल का कार्यकाल हुआ, जिसमें जितनी योजनाएं राशि के अनुसार से लेना था, तो 3 नली का काम करवाया गया, निर्माण कराया। अच्छा, नल जल योजना की कैसी स्थिति है आपके पंचायत में? नल जल मेरे कार्यकाल में नहीं हुए, मेरे अगले कार्यकाल में ही मुखिया जी जो थे वो 2 वार्ड में पंचायत द्वारा करवाया गया था, बाकी सब में PhD द्वारा हुआ है। ठीक ठाक स्थिति है, PhD की स्थिति ठीक है? हाँ, ठीक ठाक है। जब शिकायत आती है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, शिकायत आना का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो पानी आ ही रहा, तभी ना जब बंद होती है तो शिकायत आती है, तुरंत उसको ठीक कराया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था आपके पंचायत में? शिक्षा के तक तो ठीक ठाक है, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था में कुछ लापरवाही बरती जा रही है। हम अपने उच्च अधिकारियों से भी बात किए, बहुत बार लेटर भी दिए हैं, पत्राचार भी किए हैं कि कम से कम इतने बड़े पंचायत में आबादी है, पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ ज़्यादा मेरे पंचायत में रहते हैं, तो डॉक्टर का मांग किए हैं कि एक कम से कम MBBS डॉक्टर हमारे पंचायत में जो हॉस्पिटल है उसमें दिया जाए, लेकिन डॉक्टर तो अभी तक तो अवेलेबल हमें नहीं कराया गया। अच्छा, डॉक्टर अगर देते तो बड़ा अच्छा होता, कहे कि पिछड़ा क्षेत्र है, सब गरीब गुरबा लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ, तो मुफ्त में इलाज होता, ऐसे मुफ्त में दवा वितरण होती है, लेकिन अगर डॉक्टर रहते तो उसी के अनुसार इलाज भी तो ज़्यादा सहूलियत होती लोगों को, सहूलियत होती इलाज करवाने में। जी, अभी मुख्य रूप से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपने पंचायत के विषय में? अभी मुख्य रूप से वही, अगर यहाँ 2 हॉस्पिटल है हमारे पंचायत में। अच्छा। दोनों में अगर डॉक्टर अवेलेबल करा दिया जाए तो बहुत अच्छी होगी। एक नया चीज़ सोचे हुए हम लोग कि हाट लगाने के लिए। अच्छा, सुनिए ना, अभी एक ग्राम सभा लगेगी तो उसमें लोगों से विशेष चर्चा में इस बात को रखेंगे कि ग्रामीण हाट एक होती है, वो अगर लगे, मेरे यहाँ मैदान भी मौजूद है जिसमें लगाया जा सकता है, अगर हाट लगेगी तो लोगों को एक रोज़गार मिलेगा अलग से, जितने भी ग्रामीण सब्जी उब्जी का खेती करते हैं ना, तो वो अपना वहाँ अपना सब्जी का उत्पादन जो भी हुआ वो ला करके बेच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं अभी। अच्छा, तो मुख्य रूप से आपके पंचायत में किस चीज़ की कमी है? अभी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो क्या मुख्य समस्या निकल के सामने आ रही है?
मुख्य समस्या राशन कार्ड का भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जितना लाभुकों को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। तो हम लोग मांग करते रहते हैं, जो भी लक्ष्य आता है उसके अनुरूप काज भी किया जाता है। मतलब जितना आपका कार्य क्षेत्र उतना आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी आपके कार्य क्षेत्र से बाहर वो आप कैसे करेंगे? वो तो उच्च पदाधिकारियों से संपर्क कर करके उनका ध्यान आकर्षण करवाते हैं। जो भी हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है तो भाई उच्च अधिकारी ही तो करेंगे ना उस कार्य को। मेरे क्षेत्र अधिकार में जो भी कार्य है उसको हम कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद सरफराज जी। इन्होंने साफ तौर के पे कहा कि कुछ कुछ समस्या जो भी है और विकास स्तर जो भी है इस पंचायत का, इन्होंने गिनाई है कि इस तरीके के विकास हमने बीते वर्ष में किया है लोगों के लिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के, एक और पंचायत का विकास स्तर दिखाने के लिए। देखते रहिए हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ निशांत कुमार, पटना।